तो ये हमारी ग्राम कोकाई की लैब डायग्नोसिस हमने पढ़ ली है। सबसे पहले हमने कहा कि अब देखें, आपको मैंने एक बात नहीं बताई कि जो बैक्टीरिया आपके पास होते हैं ना, या तो आपके पास हो सकते हैं स्फेरिकल, ठीक है, या फिर उनकी शेप हो सकती है रॉड, ठीक है, इसको हम बेसिलाई कहते हैं, इसको हम कोकाई कहते हैं इसको, और या फिर स्पिरलाई होते हैं, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह करके होते हैं। तो तीन किस्म की मेन शेप्स होती हैं, ठीक है, ये कोकाई, बेसिलाई या फिर स्पिरला। तो अभी हम ग्राम कोकाई पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसकी आप लोगों ने पढ़ ली है या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो स्टेफलो होगा या स्ट्रेप्टो। स्टेफलो क्या होगा? कैटलेज पॉजिटिव, ठीक है। फर्दर आ जाएंगे तो ऑरियस होगा तो बीटा हेमोलिसिस देगा, और स्टेफलोजेंथीन तो गोल्डन, और फर्मेंट्स मैनिटोल और कोएगुलेज टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इसकी सारी लैब डायग्नोसिस आ गई है। और अगर तो एपिडर्मिडस हुआ तो ये दोनों क्या बीटा हेमोलिसिस नहीं देंगे, हेमोलिसिस देंगे ही नहीं। और बाकी नोवोबासिन सेंसिटिव होगा तो एपिडर्मिडस निकलेगा और सेप्रोफिटिकस रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये हो गई आपके पास स्टेफलो पूरा कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेप्टो पे।